दोस्तों आपका आईपीएल का फेवरेट टीम कौन है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2023 का बिगुल बज चुका है। बता दें कि लीग का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है। गौरतलब है कि सभी टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों के साथ लगभग प्री ट्रेनिंग सेशन कैंप शुरू कर दिए हैं। तो वहीं दो बार की आईपीएल चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका लगा है। बता दें कि लीग में फ्रेंचाइजी के कप्तान श्रेयस अय्यर के खेलने को लेकर संशय बना हुआ है। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर लगभग आधे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टीम में अभी भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम की हार जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए आपको जानते हैं उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जिन पर आगामी सीजन में सभी की नजरें टिकी होंगी। तो ये जानते हैं। पहले नंबर पर हैं शार्दुल ठाकुर। भारतीय टीम के हरफन मौला खिलाड़ी और मैन विद गोल्डन आर्म के नाम से मशहूर शार्दुल ठाकुर हमारी लिस्ट में पहले ऐसे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं जो टीम की हार जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बता दें कि 31 साल के इस दिग्गज ऑलराउंडर को ट्रेबिंग विंडो के तहत दिल्ली कैपिटल से कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। साथ ही आपको उनके पिछले सीजन के प्रदर्शन के बारे में बताएं तो वह खेले गए 14 मैचों में 9.79 की इकोनॉमी से 15 विकेट अपने नाम कर पाए थे। हालांकि आईपीएल के आगामी सीजन में शार्दुल ठाकुर के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। बता दें कि ठाकुर गेंद और बल्ले से मैच को कभी भी पलटने की ताकत रखते हैं। खैर अब देखने लायक बात होगी कि वह आईपीएल 2023 में कैसा प्रदर्शन करते हैं। दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं रिंकू सिंह। यूपी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रिंकू सिंह का आईपीएल 2022 सीजन कमाल का बीता था। बता दें कि लीग के पिछले सीजन में उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए कई आकर्षक पारियां खेली थी जिसमें एलएसजी के खिलाफ 15 गेंदों में 40 रनों की पारी को कौन भूल सकता है। आगामी सीजन में भी रिंकू से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद केकेआर कर रही होगी। तो वहीं उन्होंने हाल ही में खत्म हुई रणजी ट्रॉफी में यूपी के लिए कमाल का प्रदर्शन किया था। बता दें कि उन्होंने इस सीजन में 7 मैचों की 8 पारियों में 442 रन बनाए। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में रिंकू ने 9 मैचों में 103.39 के स्ट्राइक रेट से कुल 335 रन बनाए थे। वहीं तीसरे नंबर के खिलाड़ी है नीतीश राणा। बता दें कि बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा केकेआर के लिए साल 2008 से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने हुए हैं। गौरतलब है कि राणा को आईपीएल 2021 में रिलीज करने के बाद केकेआर मेगा ऑक्शन 2022 में 8 करोड़ में खरीदा था। साथ ही अब तक केकेआर के लिए वह मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं। तो वहीं आपको उनके पिछले सीजन के प्रदर्शन के बारे में बताएं तो उन्होंने 14 मैचों में 361 रन बनाए थे। दूसरी तरफ उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 में 8 मैचों में 139.03 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए थे जिसमें एक शतक व एक अर्धशतक शामिल था। खैर अब देखने लायक बात होगी कि आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि अगर टॉप ऑर्डर में राणा का बल्ला चला तो केकेआर को तीसरी बार ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों अगर आप आईपीएल को लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।